हेलो दोस्तों, बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले टेस्ट मैच की, जिसको भारत ने जीत लिया है। और इस 5 दिन के टेस्ट मैच को भारत ने तीसरे दिन ही जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 91 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने इसको एक भारी और 132 रन से जीत लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ऑस्ट्रेलिया 170 रन पर ऑल आउट हो गए थे। उसके बाद उसका मुकाबला करने के बाद टीम 400 रन पर ऑल आउट हो, जिसमें सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने, उसके बाद अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने भी बहुत बढ़िया खेल दिखाया बल्ले, और लास्ट में शमी ने भी 34 रनों की साझेदारी की और 34 रन बनाए। और इस तरह भारत का स्कोर 400 रन पर पहुंच गया। और उसके बाद भारत के पास अगर देखा जाए तो 223 रन की लीड आ गई थी और फिर अपनी दूसरी पारी में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, तो अगर देखा जाए तो वो सिर्फ 91 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा रन स्टीवन स्मिथ ने बनाए, 51 गेंद पर 25 रन बनाए। अगर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में अगर भारत की गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए हैं 4 ओवर में 13 रन देकर, और रविचंद्रन अश्विन ने 12 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए और 1 विकेट अक्षर पटेल ने लिया है। ऑस्ट्रेलिया के फॉलो विकेट की बात करें तो पहला विकेट 7 रन पर गिरा उस्मान ख्वाजा के रूप में, दूसरा विकेट 26 रन पर गिरा, तीसरा विकेट 34 रन पर गिरा, चौथा विकेट 42 रन पर, पांचवा 52 रन पर, छठा विकेट 64 रन पर, सातवां विकेट 67 रन पर, आठवां विकेट 75 रन पर, और नौवां विकेट 88 रन पर, और आखिरी विकेट गिरा 91 रन पर। और इसी के साथ 91 रन पर ऑल आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया की टीम। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जीत एक पारी और 219 रन थे, पहले 1997 में थी, और उसके बाद नंबर दूसरे पर इनिंग और 135 रन की हैदराबाद में 2012 में थी जीत, और ये तीसरी सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। भारत के अपने घर पर एक पारी और 132 रन से जीत थी। अगर इस मैच के प्लेयर बात करें तो वो थे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने बैटिंग और बॉलिंग से दोनों से कमाल किया। ये थी गाइस रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।